शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अच्छा शगुन नहीं होता है दुल्हन। सारी बुरी बलाओं को हमारे घर से दूर रखना प्रभु। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वस्थाम पवित्रो पवित्रो सर्वस्थाम पवित्रो पवित्रो सर्वस्थाम ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वस्थाम। अरे तू यहाँ? वो कहाँ है ना नानी? इनको तो आप जानती हैं। जब तक हम ही पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध नहीं करेंगे ना, ये घर में एक पग भी ना ही रखेंगे। हम बता रहे आपको। ए जी सुनिए, आइए जी। पाय लगे नानी। ओ जीते रहो दामाद जी। तभी हम सोच रहे थे कि इतनी रात गए कौवा काहे बोल रहा है। तो बिटिया और दामाद जो आ रहे थे मालती और दामाद जी, आपको ब्याह पे हम नहीं बुला सके। लो अपने भाभी से तो मिलो। ये है शिबू की दुल्हनिया श्रवणी। नमस्ते। और दुल्हन ये है शिबू की बहन मालती, हमारी जीजी की नातिन। और ये है अखिल बाबू, हमारे दामाद जी। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। नमस्ते। और ये हमारा सिब्बू, हमारा भाई। कछु याद है कि है? हमारे साले साहब है, देखो कितने बड़े हो गए, हमसे भी कद में ऊपर। दीदी आप लोग यहाँ अचानक? हाँ पहले बता देते तो शिबू आ जाता स्टेशन पर। अरे दादी अब हमको क्या मालूम कि हमको यकायक से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ही इतना जरूरी था तो आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा जलपान करें। हाँ दुल्हन जाके दो थाली तो लेके आना। जी अम्मा अभी लाते। तू कहाँ है खड़े खड़े मुंह ताक रही हो? इनकी रहने की व्यवस्था करो। जी अम्मा जी। चल। हाँ मम्मी बोलो। स्वीटी हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। क्या?
मम्मी यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है और आप सब कुछ छोड़ के बाहर कहीं जा रही है? मम्मी हद है हद, आपको कोई पड़ी नहीं है ना? अब अपना आप ही मान लीजिए कि आप में वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब हार चुके हो शवनी से। चंद्रा ना कभी हारी है और ना हारेगी। तुम्हारे पापा ने भले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया पर हम अपने रिश्ते निभाना जानते हैं। तुम्हारे लिए पूरी सेटिंग करके जा रहे हैं। हमारे लौटने तक शिवांश और श्रवणी के बीच धमाके हो रहे होंगे। लौट के आने पर खुशखबरी दे, क्योंकि शिवांश अपना जॉब छोड़ेगा नहीं और इसकी वजह से शिवांश और श्रवणी के बीच होंगे झगड़े। वाह मम्मी वाह, मान गए। सुनो जल्दी आ जाना, ठीक है? क्यों तुम झूठ काहे गए? बोलो सच काहे नहीं बताए सबको कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी तरह माता खराब नहीं हम आया है? एक तो तुम्हारे चक्कर में ये दहलीज पे कदम रखना पड़ा हमको। हमारे कारण नहीं, हम दोनों के कारण। कहा है ना कि इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, हम दोनों का फायदा है, समझे? ज्यादा लिब्रिया नहीं। सुनो ध्यान रखो, नजर रखो उस शिवांश और श्रवणी पे। देखो वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। ठीक है, हमारे काम की शुरुआत यहीं से होगी। क्या? और आपने बात मान ली तो क्या आप सच में हमारी नौकरी छुड़वाएंगी? कि नहीं पापा, मतलब हद है, अब हम काम भी ना करें। ओफो, शिवांश तुम भी ना, शांत हो जाओ। मतलब हद हो गई, हम आपसे नौकरी की बात कर रहे हैं और आप है कि पानी भर रही है। जाओ पानी पियो। मैं प्यास नहीं है। पियो ना प्लीज। अच्छा अब हमें ये बताइए, आपको हम पर विश्वास है ना? है ना? हाँ है। अब देखो आपको हम पर विश्वास है, फिर भी अपनी बात मनवाने के लिए, हमारा मतलब है पानी पिलाने के लिए आपसे दो बार विनती करनी पड़ी है ना? उसी तरह इंसान अड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़े कि उनसे लड़ा जाए। दूसरे तरीके से भी तो अपनी बात मनवाई जा सकती है ना? हाँ चलो मान लिया कि अम्मा की जिद है, ये भी कह सकते कि हमारी विनती करने से वो हमारी बात ना माने, लेकिन उन्हें एहसास दिलाना होगा कि ये नौकरी का फैसला बिल्कुल सही है। श्रवणी वो अम्मा है, एक बार अपनी जिद पे अड़ जाती है ना फिर वो सुनती नहीं है किसी की। जानते हम, और ये भी जानते कि वो बिल्कुल हमारी तरह, हम क्या कम है उनसे? छठी मैया का व्रत करके कॉलेज जाने के लिए उनको मना लिया था ना, बस अब फिर से ऐसी कोई फिरकी घुमानी। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।